मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी पसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर करी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच को ही ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था। चारों तरफ झूठों का उसके तो चंचल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। करीना में अब तक आज के बाद अगर तुमने मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ के फेंक दूंगी। हमको लगता है नीलू जी कि अब वक्त आ गया है सब चीजों को ठोक बजाकर समझ लेना चाहिए। पिताजी तो वैसे तो ग्वालियर से हैं, लेकिन आजकल ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने पूछा नाना जी कहाँ हैं, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि नाना जी बनारस में हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया। बड़े सवाल पूछती हैं आप, चलिए बैठिए लिखिए। हाँ लेकिन क्या लिखूं? ओहो लिखिए प्रिय प्राणनाथ। नाम की चिट्ठी। हे भगवान, आपको तो सब पता है आपसे क्या छुपा है। हम तो सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे, लेकिन जब से डॉक्टर ने कहा ना कि बबुआ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, तो हमें जीने का मकसद मिल गया। हमको तो बस अब उस दिन का इंतजार है जब बबुआ ठीक हो जाएगा, हम साथ साथ घूमने जाएंगे, वॉक के लिए जाएंगे, खूब जलेबी समोसे उड़ाएंगे। हाँ प्रभु, कृपा करो प्रभु कृपा। सत्रीकाल दू। सत्रीकाल सत्रीकाल। गुड मॉर्निंग जी। हाँ गुड मॉर्निंग जी, कुकी जी गुड मॉर्निंग। अरे लगता है मॉर्निंग वॉक से आ रहे हो। हाँ और कल आप भी हमारे साथ वॉक करने जा रहे हो। हम भी? परी ने कह दिया सो कह दिया, आज आराम से जलेबी खाइए और कल हमारे साथ वॉक पर चल के अपनी शुगर घटाइए। जलेबी पेश की जाए। लो जी गर्मा गर्म जलेबी। जलेबी कन्हैया लाल की दुकान के आगे से निकल रहे थे, हमें जलेबियां देखकर आपकी याद आ गई, सोचा आपके लिए आधा किलो ले ही जाते हैं। देखिए आपने हमको जलेबी की खुशबू तो सुंघाई दी है, अब खाने का जहाँ तक सवाल है का है ना, हम आजकल थोड़ा परहेज कर रहे हैं। ओ जी कोई गल नहीं, कभी कभी खा लेनी चाहिए। वैसे भी कल आप हमारे साथ वॉक पर तो चल ही रहे हैं। लो जी बहुत मीठी है। अरे जलेबी तो वैसे ही मीठी होती है, आप लोग इतने प्यार से लाए हो तो और मीठी हो गई होगी, है ना? अब जाओ जी आराम से बैठ के खाओ। अच्छा बैठ। हाँ ठीक है। कैसी लगी? अब क्या वो चिट्ठी जिसपे हमने सेंट वेंट छिड़क के हमारी मोहब्बत का हाल लिख के भेजा था? वो तो बहुत गंदी। छी, वैसे भी तुम्हें लिखना तो आता नहीं है और इतनी गंदी राइटिंग और इतनी सारी मिस्टेक्स। हाय सप्पा। ए मेरे पापा की नकल मत करो। हाय सप्पा हाय सप्पा। ओए लड़की। सॉरी जी। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे बारे में दादू को सब बता दिया। दादाजी को? मतलब त्रिभुवन जी को बता दिया तुमने? हाँ मैंने उनको सब बता दिया कि तुम कितनी बुरी हो और तुम्हें से स्मेल भी आता है। पापा अब चलो ना, बहुत स्मेल आ रही है। ओ पुत्र चलो। पर चलो इसको तो मैं
समधी जी? समधन जी, मीठी है? कुछ तो शर्म कीजिए, काय बोलता? अरे, अब जब कोई इतने प्यार से जबरदस्ती कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? आप लवली जी से ही पूछ लीजिए, इनसे तो मैं बाद में निपटूंगी। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ये सब करते हुए आपको अपने बेटे के बीमारी का जरा भी एहसास नहीं हुआ? अब इस सब के बीच में आप बेटे को काहे ला रहे हैं? अच्छा, आप उसकी सास के साथ चक्कर चलाए और मैं कुछ ना कहूँ? तुषार का नाम भी ना लूँ? ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती, जो करना है करिए। सुनिए तो नीलू जी, समधन जी के साथ हमारा चक्कर? नीलू जी को क्या हो गया है? आज मेरे सामने त्रिभुवन जी को आंखें दिखा रही थी और ये भी कहा कि लवली जी से बाद में निपट लूंगी। माय गॉड, आखिर ये चक्कर क्या है? लवली जी, क्या ये लेटर आपने लिखा है? जी जी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी बेटी के ससुर के साथ इश्क लड़ा रही है? ससुर के साथ मतलब त्रिभुवन जी के साथ? आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है? ये मैं सोच नहीं रही हूँ, ये चिट्ठी कह रही है। देखिए त्रिभुवन जी तो मेरे भैया समान है, अगर आप कहें तो अभी इसी वक्त मैं उनके दोनों हाथों में राखी बांध देती हूँ। अच्छा, फिर ये लेटर? ये लेटर तो मैंने कुकी सिंह जी के लिए लिखा था। कुकी सिंह के लिए? जी। फिर ये लेटर मेरे बेडरूम में इनके तकिए के नीचे कैसे आया? क्या, आपके बेडरूम में ये लेटर? जी हाँ। हाँ, लेकिन मैं सच कहती हूँ, लोलो के सर की कसम, ये लेटर तो मैंने कुकी सिंह जी के लिए ही लिखा था, मैं उनको अपना पति मान बैठी हूँ। क्या बोलते? अरे कुकी सिंह तो अभी जवान है। तो मैं भी तो, और अब मेरे लिए मरने के दिन ही कितने बचे हैं, और कुकी सिंह जी ने तो मुझे सहारा दिया। मतलब कुकी सिंह भी आपसे? जी, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे, और हम दोनों ने फैसला कर लिया है कि अब हम लोग शादी कर ही लेंगे। शादी का फैसला? मगर क्यों? क्योंकि मैं सुहागन मरना चाहती हूँ। क्या बात है, आप मुझसे नाराज हैं? हाँ। आई एम सॉरी, मुझे आप पे शक नहीं करना चाहिए था, वो भी इस उम्र में। उम्र में क्या हुआ है हमारी उम्र को? अरे हम तो इसलिए नाराज हैं कि आपने हमारा रिश्ता जोड़ा भी तो किससे? उस समधन जी से। अरे अगर रिश्ता जोड़ना ही था तो कोई सुंदर सी, भोली सी, सुशील सी। बस बस, बहुत हो चुका। नहीं मतलब आप जैसी तो हमें कुछ खुशी भी होती, अब तो हमें कोई खुशी हो नहीं सकती क्योंकि आप जैसी कोई है ही नहीं। क्या बोलता? सच बोलता। कहा है ना कि ठीक है, कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल करना है तो आप उन्हें कीजिए ना, अपने समधन जी को। अरे हमरी तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ हूँ और कहाँ हूँ कुकी सिंह है? छोटा सा, नाजुक सा, भोला सा, पतली मूछ वाला, चश्मेश, गबरू जवान, का समझ में नहीं आ रहा। वाह वाह कुकी सिंह जी, पाठ पढ़ा जा रहा है जी। अब तुषार जी को ठीक भी तो करना है ना। हो जाएंगे तुषार बबुआ, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। जब आप जैसा चाहने वाला उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना करेगा तो उन्हें ठीक होने से कौन रोक सकता है? जी हमें पूरा भरोसा है कि रब हमारी जरूर सुनेगा। बस हमें भी इसी बात का इंतजार है कि चमत्कार में कुछ अच्छा हो।
कुछ चमत्कार हो। जब से बबुआ का एक्सीडेंट हुआ है न जाने कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मतबल? मतलब पहले तो अचानक पता चला कि लोलो और तुषार की शादी हो चुकी है, फिर रुपए चुराने की बात, और फिर लोलो की किसी दूसरे के साथ फोटो। अरे बहू की बात तो छोड़िए, उनकी माँ तो उनसे दो कदम आगे निकली। उनके चक्कर में नीलू जी का हम पर से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाता। पता नहीं अब और काका देखना बाकी है। हमको तो बस एक ही बात का डर है कि कहीं तुषार ने लोलो से शादी करने में जल्दबाजी तो नहीं की। लोलो से अच्छी तो वो करीब से कैसे ले सकते हैं। उसी की वजह से तो बबुआ का ये हाल हुआ है। नफरत है त्रिभुवन जी के मन में करीना के लिए। अब ये नफरत तभी खत्म होगी जब तुषार इन लोलो और लवली को धक्के मार मार के चमत्कार से बाहर करेगा। बड़े पापा जी आप? हम सब समझ गए हैं आप क्या सोच रहे हैं। क्या? जिससे प्यार करते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। सही कह रहे हैं ना? जी नहीं, मतलब हाँ। होता है, होता है। हमें सारी असलियत का पता चल गया है। कैसी असलियत? यही कि आप तुषार बबुआ से बहुत प्यार करते हैं। जी आपको कैसे मालूम? अरे इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो अपने दामाद से प्यार ना करे। लेकिन अरे भाई लेकिन लेकिन छोड़िए, थोड़ा बहुत प्यार अपने समधी जी से भी तो बांटिए। समधी? हाँ भाई, अब रिश्ते में तो हम आपके समधी हुए ना। नहीं जी, हमारे बीच में जो रिश्ता है हम उसी से खुश हैं। का मतलब? आप लवली जी से शादी नहीं कर रहे हैं? देखिए हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो ही सब कुछ समझ रही है। अब आप ही बताइए हम उनके साथ शादी कैसे कर सकते हैं, अब हम तो लड़की हैं। लड़की है मतलब? ओ जी हमारा मतलब था हम तो एक लड़की के बाप हैं। तो क्या हुआ, वो भी तो एक लड़की की माँ है। अब हम छोटी सी बच्ची को एक सतेली माँ के हवाले कैसे कर दें? सही कह रहे हैं आप। हमको भी ना लवली जी कुछ अजीब लगती हैं। उनके इरादे कहाँ हैं समझ नहीं आता। जी कुछ समझे नहीं। पापा क्यों है पुत्र? लोलो ने परी को मारा। अगर तुमने मेरे मेकअप किट को फिर से हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। बहू ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए बच्चों को नहीं डांटा जाता है। क्या हुआ बेबी? देखो बहू, परी और कुकी सिंह जी इस घर में वैसे ही मेहमान हैं जैसे आपकी माँ, और मेहमानों के साथ बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो क्या है ना कि हमको जो कहना था हमने कह दिया है, आगे से इस बात का ध्यान रखें बस। बेबी वो तुम्हें जो कह रही थी ना वो इससे पहले कि बाजी उल्टी पड़े हमें यहाँ जो भी हाथ लगे लेकर भाग जाना चाहिए। वही कर रही हूँ, लेकिन जो भी हाथ लगे वो लेकर नहीं भागेंगे, जो हम चाहेंगे वही लेके भागेंगे, समझी तुम? हेलो करुणेश। हाँ लवली बोल रही। हाँ जल्दी से खरीदार ढूंढ लो। मुझे पता है मार्केट रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 40% में भी बिके तो। मेरी जेब में तो 40% जाएगा ना, आई डोंट केयर। हाँ डिटेल्स तो मैं देती हूँ, मैं खुद तुम्हें फोन करके बाकी की डिटेल्स बता दूंगी। कंपनी का नाम चमत्कार है। ओके मैं
मैं उठाती हूँ। हाय। अरे दीज कहाँ रह गई थी तुम? हमने डिनर पे तुम्हारे लिए कितना वेट किया, फिर जब तुम नहीं आई तो फिर कोई बात नहीं। अरे कोई बात कैसे नहीं, मॉम ने इतना सुपर्ब खाना बनाया था, तुमने मिस कर दिया। ओ फिर तो मैं जरूर खाऊंगी। जिया इसे कह दे कि रात भर भटकने से अच्छा है कि हम लोग चंडीगढ़ वापस चले जाएं। अपनी जिद छोड़ दे और एक नए ढंग से अपनी जिंदगी शुरू कर। लेकिन मम्मा हमने दीद को एक महीना दिया है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि इधर उधर भटकने में अपना ये हाल बना ले। मॉम सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिल जाता ना। आई एम श्योर कि दीद पे लगे हुए सारे इल्जाम वो झूठे साबित कर देगी। 15 दिन तो गुजर गए मम्मा, लेकिन अभी 15 दिन बाकी है ना। क्या बात है दीज, आज बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो, इतनी देर क्यों हो गई आने में? बस ऐसे ही। लगता है बहुत थक गई हो, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लाती हूँ, एकदम फ्रेश हो जाओ। एक आप ही तो हो जो मेरा दर्द समझ सकते हो। आप जानते हो कि सिर्फ तुषार ही है जो मेरी हेल्प कर सकता है, तो फिर आप उसे क्यों नहीं ठीक कर रहे हो? मुझे इस वक्त उसकी बहुत जरूरत है। आप खुद सोचो कि अगर मैंने अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा भी ली तो तुषार के बिना उसका कोई मोल नहीं है। बाबा जी आपको तुषार को ठीक करना ही होगा, ये मेरी जिद है। से सहा नहीं जाता, मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूं। एक बार मेरे तुषार को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए। मामा आपको लगता है कि हम इतनी आसानी से चमत्कार को इन कागजों से बेच पाएंगे? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? मामा पावर ऑफ अटॉर्नी झूठी है। कौन शक करेगा, जब तुम तुषार की चेयर पे बैठती हो, जब तुम पूरा चमत्कार रन करती हो, त्रिभुवन जी और नीरू कोई तुम पे शक नहीं करते, तो खरीदार कैसे तुम पे शक करेगा? फिर भी मामा पता नहीं क्यों मुझे डर है कि कहीं किसी को शक ना हो जाए। हाँ लेकिन जब तक शक होगा तब तक तो हम कंपनी बेच चुके होंगे ना, और यहाँ से गायब हो जाएंगे, इतने दूर के ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। हॉलीवुड चले जाएंगे, अंग्रेजी फिल्में बनाएंगे, मैं हीरोइन होंगी और ब्रैड पिट हीरो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, फिल्मों में दिखोगी तो पकड़े जाएंगे ना हम। मामा आप सीरियल नहीं देखती, प्लास्टिक सर्जरी करा के हम अपना चेहरा बदल देंगे। बहुत दूर की सोचने लगी हो तुम, अब मुझे सचमुच लगने लगा है कि तुम मेरी बेटी हो। गुड गर्ल।